एकेडमी बोंडवा एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे फॉर माय गुड रिजल्ट. आई स्कोर माय 100% मार्क्स इन फाइनल एग्जामिनेशन. हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस. आई थिंक दैट एवरीवन शुड बी वर्क हार्ड इन हिज लाइफ एंड टू अचीव हर गोल. For achieving her goal, we should work hard for that. And thank you. ये हमारी ही मेहनत नहीं थी, बाकी हमारे टीचरों की भी मेहनत थी. हमारा स्कूल बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरिया में है, अमीन अकेडमी बोल रहा, और वहाँ उतनी ज्यादा फैसिलिटीज हमें नहीं मिलती है. फिर भी हमारे टीचरों ने हमें हर चीज प्रोवाइड की जो जिनकी हमें जरूरत थी, और उन्होंने हमें इस कामयाबी तक पहुंचाया कि हम 8th क्लास के फाइनल एग्जामिनेशन में 100% मार्क्स ले पाए. मैं और मेरी फ्रेंड आरती जी, जिन्होंने जो हम अपने स्कूल के टॉपर्स रहे हैं और एज वेल एज इन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के टॉपर्स रहे हैं, तो ये सब हमारा हार्डवर्क और हमारे टीचर्स की मेहनत ही थी. पहले मेरी तरफ से सबको राम राम. डीसी सर को थैंक यू मेरी तरफ से. भाई सर, मेरा नाम आरती देवी है और मेरे फादर का नाम मिस्टर राधा कृष्ण है. मेरे स्कूल का नाम, जहाँ से मैंने 8th पास किया, उसका नाम अमीन अकेडमी बोंडवा है, जो कि बहुत ही बैकवर्ड एरिया में फॉल करता है. लेकिन फिर भी हमारे टीचर्स जो है वो बहुत ही अच्छे है, जिन्होंने हमें इस लेवल तक पहुँचाया कि हम टॉप कर सके. और जिसमें कि सबसे ज्यादा जिस टीचर का हाथ रहा है वो मिस्टर राहुल सर हैं, जो कि हमारे साथ आए हुए हैं. हम जो भी कुछ हैं इनकी वजह से आज हैं. इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया. हालांकि आप सब जानते हो, एज वी आर नो, कि 8th क्लास का सिलेबस जो है वो चेंज हुआ था. 2 महीने के अंदर सिलेबस भी चेंज हुआ, सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं हो रहा था, कि सिलेबस भी चेंज हो गया. फिर इन टीचरों ने हमारे ऊपर बहुत सारी मेहनत की, सिलेबस भी प्रोवाइड किया, फिर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया कि हमारा मीन अकेडमी भी टॉप लिस्ट पे आना चाहिए, जो कि हमारे टीचरों की मेहनत है. स्पेशली राहुल सर, थैंक यू राहुल सर. बस गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. माई नेम इज खालिद हुसैन. आई पास माई 8th क्लास फ्रॉम अमीन अकेडमी बोंडवा. सर, आई सिक्योर्ड 99% इन क्लास 8. फर्स्टली तो मतलब पहले एक हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मैंने देखे, डॉक्टर देवंश यादव सर, जिन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की सर. मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि कोई बच्चा मतलब डीसी सर के सामने कोई बात रखने का मौका मिल रहा है उसको. इसके लिए मतलब बहुत बहुत शुक्रिया डीसी सर का. उसके बाद मैं मुबारकबाद पेश करता हूं पहले अपने पेरेंट्स को एंड स्पेशली टू अवर टीचर्स, क्योंकि बहुत बड़ा हाथ है हमारे टीचर्स का हमारी कामयाबी के पीछे. कहते हैं एक पत्थर होता है, उसको जब मूर्ति बनाया जाता है पहले वो पत्थर होता है. हम वो पत्थर थे, लेकिन हमारे टीचर्स ने हम पे काम करके हमें वो मूर्ति बनाया. इसके लिए मतलब जितना हम चाहें लेकिन शुक्रिया अदा नहीं कर सकते. स्पेशल थैंक्स टू आवर टीचर्स. उसके बाद अमीन अकेडमी बोंडवा, जो मतलब सर आप जानते होंगे बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन फिर भी वहां आके वहां ऐसे टीचर्स हमारे MSc होल्डर्स हैं वहां पे, उन टीचर्स से हमें पढ़ाया जाता है. शब्बीर सर जो हमारे वहां पे सर स्कूल चला रहे हैं, बहुत अच्छे मतलब मैनेज कर रहे हैं अच्छे से, और उनका भी मतलब थैंक्स टू थ्रू मीडिया उनको थैंकफुल कहना चाहता हूं, उनको थैंक्स कहना चाहता हूं. वो यहाँ पे किसी प्रॉब्लम की वजह नहीं आ पाए, लेकिन उनको भी थैंक यू कहना चाहता हूं. और स्पेशल थैंक्स टू राहुल सर, जिनने हमें हर एकदम जहां भी हमें जरूरत पड़ी हमें हेल्प की. और एक ही राहुल सर, हर एक टीचर ने, स्पेशल थैंक्स टू राहुल सर, बट हर एक टीचर ने हमें जिस चीज की हमें जरूरत पड़ी वो चीज प्रोवाइड की. और फिर से एक थैंक्स कहना चाहता हूं डीसी सर को, कि जिनने एक अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड की सर कि हम आपके सामने अपनी बात रख सकें. थैंक यू एंड थैंक यू फॉर मी.